वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान इन्फो। आज की वीडियो में बात करेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, उसमें कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, क्या क्या उसका रूल होता है। इंटरव्यू में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अकाउंटिंग करते समय, जनरल एंट्री पास करते समय या कोई भी एंट्री पास करते समय हमें बहुत ही ज़रूरी होता है समझना क्या रूल है, क्या अकाउंटिंग का रूल होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने अकाउंट्स होते हैं, उनका क्या क्या प्रिंसिपल है, वो क्या कहते हैं उसको समझेंगे। इसके साथ साथ मैंने वीडियो बनाई है सेल की, परचेज की, बैंक स्टेटमेंट की, सीए फर्म में किस तरह काम होता है, हर एक चीज़ से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना दी है, अपलोड कर दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उन सब वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ पूछते हैं, सीए फर्म में इंटरव्यू हो या अकाउंटिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू हो, तो क्या क्या पढ़ें, क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंटरव्यू पूछ सकता है कि ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट को पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसका रूल क्या है, रियल अकाउंट क्या होता है उसका रूल क्या है। कोई एंट्री देके पूछ सकता है कि 5000 पेड टू सैलरी, सैलरी में 5000 दिया गया तो उसकी एंट्री क्या होगी और इसमें कौन कौन सा अकाउंट है, ये इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। एंड एक्रूड इनकम क्या होती है, एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं अकाउंटिंग की, प्रिंसिपल पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके अलावा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होता है, एंड टैली से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि टैली में वाउचर कितने तरह के वाउचर होते हैं, सेल की क्या की होती है, एंड परचेज वाउचर की क्या की होती है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी वीडियो। एंड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट करिए, मैं जरूर स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं कितने टाइप का अकाउंट होता है, उस अकाउंट का क्या क्या रूल होता है। सबसे पहले हमारे सामने है पर्सनल अकाउंट, फिर हमारे सामने है रियल अकाउंट, फिर नॉमिनल अकाउंट, तीन अकाउंट होते हैं और इसका अलग अलग रूल होता है। पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं, पर्सनल अकाउंट में हम किसी पर्सन को, किसी कंपनी को, उसके अकाउंट्स को रखते हैं। किसी कंपनी के नाम से जो अकाउंट होता है, किसी पर्सन के नाम से जो अकाउंट होता है, उसको हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं। इसका क्या रोल होता है हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट की बात करें तो बिज़नेस में जितने भी एसेट्स होती हैं, लाइक फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, लैपटॉप हो गया, या अदर इक्विपमेंट जो भी बिज़नेस में स्टॉक हो गया, वो सबको हम रखेंगे रियल अकाउंट में। एंड थर्ड वन इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम कंसिडर करेंगे ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सबको हम रखेंगे नॉमिनल अकाउंट में। रूल क्या होता है इसका, पहले इसको देख लें। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई भी पर्सन कुछ पाता है, कुछ रिसीव करता है, तो उसको कर देंगे हम डेबिट। कोई पर्सन, कोई कंपनी कुछ किसी को देती है तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमने असेट्स को रखा, तो इसमें किसी पर्सन को या किसी को देना लेना नहीं है। अब इसमें देखना है कि हमारे पास आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में जो भी आएगा उसको हम करेंगे डेबिट, या हमारे पास हमारे अकाउंट में जो भी आएगा उसको करेंगे डेबिट, और जो भी हमारे अकाउंट से, जो भी बिजनेस से जाएगा उसको हम कर देंगे क्रेडिट। आई होप ये भी काफ़ी ईजी था, एंड सेम पहले वाले की तरह सेम ये भी था। अब हम आगे देख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। हर लॉस एंड एक्सपेंसेस को हम करेंगे डेबिट, एंड जो भी हमें मिलेगा, जो भी हमारा इनकम होगी, जो भी हमारा गेन होगा, उसको हम करेंगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि यह रूल अकाउंटिंग का। आगे हम कुछ एंट्री करके समझेंगे क्यों। आई होप एंट्री करके हम अगर देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्यों। तो वीडियो स्टार्ट करते हुए देखते हैं कुछ एंट्री। तो यहाँ पे एक एंट्री की हुई है कि एक फर्नीचर ख़रीदा गया है कैश से। यहाँ पे दो चीज़ें, एक फर्नीचर है, एक कैश है, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है। परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश। तो हम देखते हैं फर्नीचर यहाँ पे हमारा है रियल अकाउंट, असेट्स है, और कैश देखते हैं ये भी रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, व्हाट कम्स इन बिजनेस शुड बी डेबिट, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस शुड बी क्रेडिट। तो हमारा इस बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर रियल अकाउंट के अंदर आएगी, तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर हमारा डेबिट होगा। कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे ये एंट्री सही है।
और फर्नीचर और कैश दोनों ही असेट्स हैं बिजनेस के लिए। लेकिन फर्नीचर जो होता है वो फिक्स असेट्स होता है, मशीनरी जो होती है फिक्स असेट्स होती है, कैश जो होता है वो करंट असेट्स होता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे अकाउंट्स का तो उसमें एक प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न। फिक्स असेट जितनी भी आती हैं गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग वो फिक्स असेट्स बनती हैं, क्योंकि बिजनेस में जितनी भी चीज़ आती है जो एक साल के अंदर विद इन अ ईयर वो बिक जाती है, वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम करंट असेट्स बोलते हैं। पर जो लॉन्ग टर्म के लिए आती है कि हाँ इसको बेचना नहीं है, तो हम उसको फिक्स असेट्स में रखते हैं। तो फर्नीचर हमारा फिक्स असेट्स कैसे हुआ? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसको समझ लेते हैं। इसमें गोइंग कंसर्न हमारा ये कहता है प्रिंसिपल, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अज्यूम करता है कि हमारा बिजनेस विद इन अ ईयर बंद नहीं होगा, ये सालों साल चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसलिए फर्नीचर को हम फिक्स असेट बोलते हैं कि फर्नीचर जब भी बिजनेस में आएगा तो बेचने के लिए थोड़ी आएगा, मशीनरी जब भी आएगी बेचने के लिए थोड़ी आएगी, वो यूज़ करने के लिए आती है कि बिजनेस चलता रहेगा तो मशीनरी भी रहेगी, विद इन ईयर नहीं बिकेगी, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म असेट्स को हम फिक्स असेट्स बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पे एंट्री है सैलरी पेड टू रमेश फॉर सितंबर 17 बाय चेक। चेक का मतलब बैंक से पेमेंट हुआ है और सैलरी पे की गई है। सैलरी पे की गई मतलब हमारे बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट, सैलरी डेबिट 15,000, एक्सपेंस हमारा डेबिट में रहेगा, और जो बैंक है जो चेक है जहाँ से पेमेंट हो रहा है बैंक अकाउंट हमारा आता है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारा SBI जो है वो क्रेडिट में है, गिवर क्योंकि बैंक से हम दे रहे हैं, बैंक देने वाला है तो इसलिए क्रेडिट में है। सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 बाई बैंक, तो बैंक से हमारा जा रहा है पेमेंट, इसलिए बैंक हमारा रहेगा क्रेडिट में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, आगे की एंट्री देखते हैं। पे टेलीफोन बिल इन कैश फॉर मंथ ऑफ सितंबर 17 1000। टेलीफोन का बिल पे की गई है जो कि हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसकी एंट्री होगी टेलीफोन चार्ज डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है इसलिए हम डेबिट करेंगे टेलीफोन चार्ज को, इसके बिल को। कैसे हो रहा है? कैश। कैश हमारा क्या है? कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है? व्हाट कम्स शुड बी डेबिट, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस शुड बी क्रेडिट। तो कैश एक एसेट्स है, वो बिजनेस से जा रहा है इसलिए वो क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक और एंट्री देख लेते हैं, एक और एंट्री हम देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट रिसीव 212। बैंक इंटरेस्ट ये भी एक तरह की हमारी इनकम है, अगर पेड होता ये लॉस होता। तो बैंक इंटरेस्ट हमारा इनकम हुआ। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल द एक्सपेंस शुड बी डेबिट, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल द इनकम एंड गेन शुड बी क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट में है, और कहाँ पे मिल रहा है बैंक इंटरेस्ट? बैंक में। बैंक हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक को बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका मतलब बैंक रिसीव कर रहा है, इसलिए बैंक डेबिट होगा। तो यहाँ पे बैंक डेबिट है। बैंक इंटरेस्ट क्या है? बैंक इंटरेस्ट हमारी इनकम है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट होगा। तो SBI हमारा डेबिट हो रहा 212 रुपये का, और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है बैंक इंटरेस्ट से 212 रुपये।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इंस्टाग्राम पर DM करें।